आजाद नेशन न्यूज पैनी नजर हर खबर। ससुराल जाते समय अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिस पर सवार पिता पुत्र और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को औला के सीएससी में भर्ती कराया गया। हालत ज्यादा खराब होने पर डॉक्टरों ने बरेली के जिला अस्पताल रेफर कर दिया। अस्पताल लाते समय पिता पुत्र की मौत हो गई, घायल बेटी का उपचार चल रहा है। बरेली के थाना औला के भीम रोड निवासी धर्मेंद्र ने बताया, उनका 25 वर्षीय भाई रविंद्र, पुत्र नेमचंद, शाम को 1.5 वर्षीय पुत्र मानव और 4 वर्षीय बेटी मेहर को लेकर मोटरसाइकिल से अपने घर से ससुराल अजमेर जा रहा था। रसूलपुर के पास थाना औला क्षेत्र में उनकी मोटरसाइकिल में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे रविंद्र के साथ में बैठे पुत्र मानव और बेटी मेहर तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। किसी राहगीर ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को औला के सीएससी में भर्ती कराया। घायलों की हालत ज्यादा खराब होने के कारण डॉक्टर ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल लाते समय रविंद्र और मानव ने दम तोड़ दिया। घायल मेहर का इलाज चल रहा है। मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। रविंद्र के दो ही बच्चे हैं, जिनमें से एक बेटे की मौत हो गई और बेटी घायल है, और रविंद्र की भी मौत हो चुकी है। ये कल शाम अपनी ससुराल गए थे, अचानक रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। पता नहीं कौन सा वाहन वाला टक्कर मार के चला गया। बाइक से गए थे, तीन लोग, लड़का इनका, लड़की और खुद थे, मानव, मेहर, रविंद्र। हमने हमारी नजर से तो वहीं ख़त्म हो गए, हमने तो मरे हुए देखे हैं दोनों। कौन कौन खत्म हुए? लड़का और भाई हमारा, मानव और भाई का, रविंद्र। घायल कौन हुआ? घायल लड़की हुई है, मेहर। कितने साल की? 4 साल की। कहाँ के रहने वाले? भीमलो रसूलपुर। जो खत्म हुए हैं बाप बेटे हैं? हाँ, सगे बाप बेटे हैं, हमारा सगा भाई है। क्या करते थे? राजमिस्त्री का काम करते थे। वहीं एसपी ग्रामीण राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि थाना औला क्षेत्र के अंतर्गत एक अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार पिता पुत्र की मौत हो गई। पंचायतनामा भरकर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतक व्यक्ति के ससुर की ओर से आई तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना क्षेत्र औला में कल साय एक मोटरसाइकिल का एक अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें पिता और पुत्र की मृत्यु हो गई है और बेटी घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों मृतकों के शव का पंचायतनामा भरने के उपरांत पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मृतक के ससुर की तरफ से इसमें FIR दर्ज कराई है। स्पोर्ट न्यूज, पॉलिटिकल न्यूज, क्राइम न्यूज, सोशल न्यूज, हेल्थ न्यूज, तमाम तरीके की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें आजाद नेशन न्यूज के साथ।